का नाम अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। तो आज हम एल नाम वाले मेष राशि वाले लोगों के वर्ष 2025 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल में सात भविष्यवाणी की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। एल नाम वाले बहुत ही स्वभाव से चालाक और दिमाग के बहुत तेज होते हैं, किसी भी काम में आगे रहना पसंद करते हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी क्षमता के दम पर अपना मुकाम हासिल करते हैं। इनके स्वभाव में लालच बहुत कम देखने को मिलता है और अगर ये किसी काम को करने की ठान लें तो करके ही दम लेते हैं। जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले होते हैं जो निडरता और अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उदार स्वभाव वाले लोग होते हैं, किसी भी कार्य को करना हो बहुत ही जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं और ये अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। जिद्दी होने के साथ हमेशा परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ इनकी कोई न कोई खटपट छोटी मोटी चलती रहती है और इनको अक्सर मनचाहा साथी नहीं मिल पाता है। लेकिन ये लोग काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं, इन्हें आप तोहफे इत्यादि देकर खुश नहीं कर सकते और अपने जीवन साथी को काफ़ी सक्रिय और आकर्षक देखना चाहते हैं। बहुत ही उत्साही होते हैं और बहुत जल्दी आप अपने साथी को पसंद कर लेते हैं। रोमांच प्रिय व्यक्ति होते हैं, आपकी ये विशेषता होती है और प्रेम संबंध अगर एक बार आपके किसी के साथ बन जाते हैं तो उसे फिर आप जीवन भर निभाने की चाह रखते हैं। सदा अपने संबंधों में जोश और उत्साह बनाए रखना चाहते हैं और आपके प्रेम संबंध हों या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो, आप सभी जगह आगे रहना पसंद करते हैं। दृढ़ संकल्प वाले उत्साह ज़्यादा होता है, आपका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, आप मजबूत और भरोसेमंद साथी होते हैं, अपने रिश्ते में ईमानदारी रखना पसंद करते हैं। जरा सा भी झूठ आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। आत्म भविष्यवाणी की चर्चा करें तो पहली भविष्यवाणी की बात करें तो जो लोग सिंगल हैं, किसी से मित्रवत संबंध है यानी किसी से मित्रता है या किसी से डेट कर रहे हैं तो वर्ष 2025 में आप उनको प्रपोज कर सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, यानी साथी की तलाश पूरी हो सकती है। दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो नए प्रेम संबंध की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए नए प्रेम संबंध की संभावना बनेगी और वर्ष 2025 में 30 मार्च से 15 मई तक का समय प्रपोज करने के लिए ज़्यादा अच्छा समय हो सकता है। तीसरी भविष्यवाणी की बात करें तो इस वर्ष आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है और अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो फिर रिश्ते में वाद विवाद देखने को मिल सकता है, रिश्ते में तनाव की स्थिति बन सकती है, यहाँ तक कि आपका रिश्ता ज़्यादा भी खराब हो सकता है। इसलिए प्रेम संबंध में ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए 29 मार्च तक का समय कुछ ऐसा रहेगा जब ज़्यादा ही समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं आपके रिश्ते में, अगर आप प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं हैं तो। अगर आप ईमानदार हैं तो रिश्ते में मजबूती देखने को मिलेगी, प्रेम संबंध आपका आगे बढ़ेगा। चौथी भविष्यवाणी की बात करें, 18 मई से लेकर साल के आखिरी तक का जो समय होगा यानी अंत तक का जो समय होगा, साथी के साथ प्रेम संबंध में तालमेल बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होगा। किसी भी प्रकार की गलतफहमी और शंका को बिल्कुल भी बड़ा नहीं होने देना है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। हालाँकि ये जो सितंबर से नवंबर का जो समय होगा, इस समय पर आपको प्रेम संबंध में सामान्य परिणाम मिलेंगे और दिसंबर का महीना आपको प्रेम संबंध में अच्छे परिणाम भी दिखा सकता है। पांचवी भविष्यवाणी की बात करें, वैवाहिक संबंध को लेकर है। वैवाहिक जीवन में वर्ष 2025 में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, कुछ अप एंड डाउन देखने को अवश्य मिल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में जो 5 महीने होंगे आपके साथी के साथ कुछ तालमेल बनाकर अवश्य रखना होगा। हालांकि रोमांस भी ज़्यादा रहेगा इस समय पर और समय भी आप अपने साथी के साथ बिताएंगे, लेकिन व्यर्थ की बातों को लेकर बहस हो सकती है, वो बातें बड़ी हो सकती हैं और आपस में तनाव देखने को मिल सकता है। छठी भविष्यवाणी की बात करें, वैवाहिक जीवन को लेकर ही है। वैवाहिक संबंध में मई के बाद का समय आपके रिश्ते में सामान्य परिणाम दिखाएगा, लेकिन गलतफहमी और शंकाओं को बिल्कुल भी बड़ा नहीं होने देना है। अपने साथी की बातों को भी समझें और तालमेल बनाकर रखें। और सातवीं भविष्यवाणी की बात करें तो इस वर्ष जो लोग अविवाहित हैं,
शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए, तो इस वर्ष कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और यहां पर अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2025 में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।